हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू बुक, दैट इज आवर इंग्लिश लैंग्वेज बुक। हम पढ़ रहे हैं ब्रेन रूट सीरीज। द नेम ऑफ आवर बुक इज ग्रामर ग्लिटर ओडेसी ऑफ क्लास सिक्स। चलिए अब देखते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है? एक बहुत सारे वर्ड्स का ग्रुप। जब हम बहुत सारे वर्ड्स को ग्रुप करके एक साथ लिखते हैं तो एक सेंटेंस बनता है, राइट? अब देखते हैं हमारी बुक में क्या लिखा है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस एंड एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट इज कॉल्ड अ सेंटेंस। इसका मतलब क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब बहुत सारे वर्ड्स जब हम एक साथ लिखते हैं जो एक सेंस बनाता है। सेंस मतलब जिसका कोई मतलब होता है, ठीक है, और वो एक कंप्लीट थॉट मतलब कुछ ना कुछ हमें उस सेंटेंस से समझ आता है, उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स से हमें कुछ पता चलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस। अब हम एग्जांपल देखेंगे। पहला एग्जांपल है माय डॉग इज सिटिंग अंडर अ ट्री। मतलब क्या है कि मेरा डॉग ट्री के नीचे बैठा है। आपको समझ आ रहा है इस सेंटेंस से क्या बोल रहा है ये सेंटेंस? कि मेरा डॉग ट्री के नीचे बैठा है। वी कैन अंडरस्टैंड, हमें समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये एक सेंटेंस है क्योंकि हमें इससे कुछ ना कुछ मतलब समझ आ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई लव टू ईट एन आइसक्रीम। मुझे आइसक्रीम खानी बहुत पसंद है, राइट? तो इससे भी हमें कुछ समझ आ रहा है कि हमें आइसक्रीम खानी बहुत पसंद है। तो ये भी एक सेंटेंस है, ये हमको कुछ ना कुछ बता रहा है, कुछ स्टेट कर रहा है। ओके, नाउ लेट्स सी। अ सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। मतलब जब भी आप एक सेंटेंस को शुरू करते हैं, जब भी आप एक सेंटेंस की स्टार्ट करते हैं, तो हमेशा आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाना होता है। देखिए आप, माय में एम बड़ा है, तो आपको एक सेंटेंस को स्टार्ट करते हुए उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाना है, ठीक है। एंड कैन एंड विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। अब हम ये तीनों चीज़ें अभी आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, पर स्टिल जो हमारा बेसिक आइडिया होता है वो क्या होता है कि हम एक सेंटेंस को कैपिटल लेटर से शुरुआत करते हैं और जनरली हम एक सेंटेंस को एक फुल स्टॉप से एंड करते हैं। देखिए आप यहाँ पे माई डॉग इज सिटिंग अंडर अ ट्री एंड इसके बाद एक डॉट लगी हुई है। इस डॉट को हम क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप। ओके, फुल स्टॉप हर सेंटेंस के बाद आपको लगाना है, अगर वो एक सेंटेंस एक नॉर्मल सेंटेंस है। अब जब हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कब हमको क्वेश्चन मार्क यूज़ करना है, कब हमको एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज़ करना है, तो वो सब हमें आगे पता चलेगा। लेट्स सी नाउ। नाउ फर्स्ट वी हैव ए विच इज़ एन एक्सरसाइज टास्क वी हैव टू डू। रीअरेंज द फॉलोइंग जम्बल सेंटेंसेज इंटू मीनिंगफुल वंस। इसमें आपको क्या करना है, ये जो सेंटेंसेज है ना, ये सारे जम्बल्ड हैं, मतलब ये सारे उल्टे फुलटे हैं, राइट? दे आर नॉट इन अ करेक्ट मैनर, ये सारे उल्टे लिखे हुए हैं। हमको इनको ठीक करके लिखना है कि हमको कोई सेंस पता चले इससे। पढ़ के देखते हैं, पहले हम रॉन्ग वाला फिर पढ़ेंगे राइट वाला। देयर इज अ विल अ वेयर वे इज देयर। आपको इससे कुछ समझ आ रहा है? नहीं आ रहा, क्योंकि ये एक जम्बल सेंटेंस है। अब हम इसका करेक्ट देखेंगे कि इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे तो क्या आएगा। Where there is a will, there is a way, right? Where there is a will, there is a way. तो इसका rearranging जो मैंने अभी आपको बोला वो होगी। Next, policy the best honesty is। इससे कुछ समझ आ रहा है? नहीं, ये कोई sentence sense ही नहीं बना रहा। अब इसको ठीक करके हम क्या लिखेंगे? Honesty is the best policy. Honesty is the best policy. ठीक है? Third देखेंगे आप। Baby gave apple her the mother a red too. क्या होगा इसका? The mother gave a red apple to the baby. Okay? Now next, ran fox the away with of cheese piece. बता सकते हो आप? Do you want to try? Okay. So the answer for this one is, I will tell you, the fox ran away with a piece of cheese. Okay, again I'm saying, the fox ran away with the piece of cheese. Okay, fifth one,
शॉर्टेस्ट ईयर ऑफ द इज फरवरी मंथ. इससे हमें समझ नहीं आ रहा कुछ भी, क्योंकि ये सेंटेंस जंबल्ड है. ये इसके सारे वर्ड्स उल्टे करके लिखे हुए हैं, दे आर नॉट इन अ करेक्ट सीक्वेंस. इसको ठीक करके कैसे लिखेंगे? द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर इज फरवरी. द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर इज फरवरी. वेरी गुड. नाउ सिक्स्थ वन, गॉड सम रिमेंबर ओनली पीस डिस्ट्रेस इन. द आंसर इज ओनली सम पीपल रिमेंबर गॉड इन डिस्ट्रेस. ओनली सम पीपल रिमेंबर गॉड इन डिस्ट्रेस. नाउ सेवेंथ, मैप आई हेल्प टू हिम ड्रॉ द. क्या होगा इसका? आई हेल्प हिम टू ड्रॉ द मैप. आई हेल्प हिम टू ड्रॉ द मैप. नाउ एट्थ वन, मदर इज फॉर लुकिंग यू योर. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव इन दिस. योर मदर इज लुकिंग फॉर यू. व्हाट विल बी द करेक्ट सेंटेंस? योर मदर इज लुकिंग फॉर यू. ओके, सो आई होप आपको ये एट सेंटेंसेस को रीअरेंज करना समझ आ गया होगा. अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. काइंड्स मतलब हमारे पास कितने कितने टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं, क्या क्या सेंटेंसेस हमारे पास होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के. ओके, सो फर्स्ट वी विल सी द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. फर्स्ट टाइप इज असर्टिव सेंटेंस. सबसे पहला कौन सा है? असर्टिव. अ सेंटेंस दैट स्टेट्स और डिक्लेयर समथिंग इज कॉल्ड एज असर्टिव सेंटेंस. दे आर ऑल्सो नोन एज डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. इसका मतलब क्या है? कि वो एक ऐसा सेंटेंस जो कुछ ना कुछ डिक्लेयर करता है, हमें कुछ बताता है, कुछ स्टेट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं. ऐसा सेंटेंस जो हमें कुछ ना कुछ जानकारी देता है, हमें कुछ समझाता है, कुछ बताता है, ठीक है, उसे हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं. इन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को हम एक और नाम से बुला सकते हैं. क्या है वो नाम? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. वेरी गुड, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं. आपको याद रखना है असर्टिव मतलब कोई जानकारी मिल रही है हमें, कुछ पता चल रहा है. देखते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट. आई विल गो टू स्कूल टुमारो. तो ये एक असर्टिव सेंटेंस है. ये नॉर्मली कोई हमें बता रहा है, कुछ किसी ने ये चीज स्टेट करी है कि कल मैं स्कूल जाऊंगा या जाऊंगी, राइट? सो दिस इज एन असर्टिव सेंटेंस. सेकेंड वन, शी इज अ जीनियस. हमें कुछ पता चल रहा है ना इससे, राइट? सो दिस इज ऑल्सो एन असर्टिव सेंटेंस. ओके, अब आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली हर टाइप ऑफ सेंटेंस में याद रखनी है कि वो किस सिंबल से एंड हो रहा है. आप देख सकते हैं कि असर्टिव सेंटेंस किस से एंड होता है? एक फुल स्टॉप से. आप यू कैन सी हियर ऑल्सो, आई विल गो टू द स्कूल टुमारो, फुल स्टॉप, राइट? सो हमें कुछ जानकारी मिली इन टाइप के सेंटेंसेस से. सो दिस इज असर्टिव. नाउ लेट्स मूव फर्दर. There are three kinds of assertive sentences. अब हमारे assertive sentences के भी तीन तरीके होते हैं उन्हें express करने के. तीन types होते हैं. सबसे पहला affirmative, दूसरा negative, third emphatic. Okay? So let's see first one now. Affirmative, I am busy. He is mature. ठीक है? नेगेटिव मतलब हम जब कुछ नेगेटिव बात करते हैं जिसके अंदर नॉट वर्ड यूज हो जाता है. देखें कैसे. आई एम नॉट बिजी, ही इज नॉट मैच्योर. ठीक है? ओके, व्हाट इज द थर्ड वन? एम्फेटिक सेंटेंसेस. आई एम सो मच बिजी, ही इज इंडीड मैच्योर. जब हम एक टाइप ऑफ एक्स्ट्रा इमोशन ऐड कर दें, जैसे हमने क्या बोला, या इस सेंटेंस और इस सेंटेंस को अगर हम कंपेयर करें, आई एम बिजी, ये नॉर्मली लिखा गया है कि हमें स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि ये इंसान बिजी है. आई एम बिजी. इससे क्या है? आई एम सो मच बिजी. तो हम जब ऐसे एम्फसाइज करते हैं किसी वर्ड पे, हम जोर डालते हैं जब, तब वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं? एम्फेटिक. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द सेकेंड टास्क. टास्क बी, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू असर्टिव सेंटेंसेस. ओके, सो लेट्स सी the B task now. We have to change the following sentences into assertive sentences. First is, what a clever girl you are. Iska kaise change karenge hum? Dekh sakte hain yahan pe maine likha hai, you are a clever girl. Humne isko assertive sentence mein change kar diya. Second,
how pleased he was to see you. Let's see iska answer kya hai. He was very pleased to see you. Next, how beautiful this garden is. This garden is very beautiful. Dekhiye aap maine likha bhi hai. Next dekhte hain, what a large nose he has. He has a very large nose. Okay? How terrible. This is very terrible. Okay? Fifth also you can see here written. Now, sixth one. What horrible music. This is a very horrible music. Okay? How he snores. He snores very loudly. Okay? Next, what a good idea. This is a good idea. How many shoes did you sell today? This is a question. You have to change it into assertive one. Can you all guess this one? This is your homework. Next is, please wait for me. You should wait for me. Okay, so the second type of sentence that we have is imperative sentences. Ab dekhte hain iske andar hamein kya karna hai? A sentence that expresses a command, makes a request or gives a suggestion is called imperative sentence. Ek aisa sentence jo ek command express karta hai. जैसे ऑर्डर देते हैं हम किसी को, हम कैसे बोलते हैं, गो एंड शट द डोर. तो ऑर्डर देने वाली टोन में जब कोई सेंटेंस होता है तो वो कौन सा सेंटेंस कहलाता है? इम्परेटिव सेंटेंस. या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे प्लीज शट द डोर. तो जब हम प्लीज वर्ड यूज कर लेते हैं मतलब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं. गिव अ सजेशन मतलब हम किसी को कोई चीज बता रहे हैं या कुछ सजेस्ट कर रहे हैं. तो वो तीनों जब अगर चीजें इंक्लूड हो जाए, तीनों में से कुछ भी इंक्लूड होगा अगर, तो वो एक इम्परेटिव सेंटेंस कहलाएगा. ठीक है, अब दीज सेंटेंसेस एंड विद अ फुल स्टॉप. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कैसे एंड होते हैं? फुल स्टॉप से या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से. ठीक है, जो कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है. लेट मी शो यू हाउ. लाइक दिस, दिस इज एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेशन. ओके, नाउ वी विल सी द एग्जाम्पल्स. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज जब हम किसी को कोई एडवाइस या वार्निंग दे रहे हैं. देखते हैं, थिंक अबाउट इट बिफोर यू टेक योर डिसीजन, वॉच आउट. तो हम क्या कर रहे हैं? वार्निंग दे रहे हैं, राइट? हमें वार्निंग वाली फीलिंग आ रही है सेंटेंस से. तो ये कौन सा सेंटेंस है? इम्परेटिव. सेकेंड क्या है क्राइटेरिया? कि जब हम रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे प्लीज लीव योर शूज आउटसाइड, प्लीज बी क्वाइट. सो दिस इज ऑल्सो इम्परेटिव सेंटेंस, क्योंकि हम इसके अंदर देखिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज वर्ड यूज होता है, तो मतलब हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं. ठीक है, लेट्स सी फर्दर. थर्ड, गिव अ कमांड और इंस्ट्रक्शन. जब हम एक कमांड देते हैं, एक ऑर्डर चलाते हैं, डोंट मूव, गेट आउट ऑफ द कार. तो हम ये एक ऑर्डर चला रहे हैं, एक कमांड दे रहे हैं, तो ये भी हमारा एक इम्परेटिव सेंटेंस है. नेक्स्ट, एक्सटेंड एन इन्विटेशन. डू कम फॉर डिनर. जब हम किसी को इनवाइट करते हैं किसी चीज के लिए, ठीक है, कि आप हमारे घर डिनर के लिए जरूर आना, तो ये कौन सा सेंटेंस होता है? इम्परेटिव सेंटेंस. डू कम फॉर डिनर, हैव मोर फूड, राइट? मूविंग ऑन, परमिट और प्रोहिबिट समथिंग. मतलब फिफ्थ वाले का मतलब क्या है? कि हम किसी चीज के लिए किसी को परमिट करते हैं, मतलब उनको बोलते हैं कि हाँ आप ये कर सकते हो, परमिशन देते हैं, या फिर किसी चीज को करने के लिए मना करते हैं. परमिट मतलब परमिशन देना, अलाउ करना, और प्रोहिबिट मतलब किसी चीज को रोकना होने से. ठीक है, ईट द कुकीज इफ यू वॉन्ट, डू नॉट पार्क द कार हियर. देख सकते हो फर्स्ट वाले में हम परमिशन दे रहे हैं कि आप खा सकते हो ये कुकीज, और सेकेंड वाले में हम मना कर रहे हैं कि आप अपनी कार को यहाँ पे पार्क मत करिए. ठीक है, नाउ वी हैव टास्क. टास्क थ्री, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस. ओके, लेट्स सी. Now, let's see the first sentence. Please shut the windows and doors. इसका कौन सा होगा? Imperative, क्योंकि हम request कर रहे हैं. Second, do you like chocolate pastries? अब देखिए, जब हम किसी से कोई question पूछते हैं ना, या फिर last में question mark आपको अगर दिख रहा हो, तो वो कौन से sentences कहलाते हैं? Interrogative. अभी इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, but फिलहाल के लिए अभी आप समझिए कि ये एक interrogative sentence है. Next, My name is Astrid Gracie. Declarative या फिर assertive. Next, where are you going?
क्वेश्चन है, मैंने आपको क्या बताया, क्वेश्चन पूछते हैं तो कौन सा सेंटेंस होता है? इंटेरोगेटिव. वेरी गुड. सच अ ब्यूटिफुल प्लेस. अब देखिए इसके यहाँ पे लास्ट में क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, अभी फिलहाल के लिए आप समझिए कि ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. गो एंड ट्राई दिस न्यू फ्लेवर. इम्पेरेटिव, हम किसी को कोई सजेशन दे रहे हैं. टुडे इज मंडे. असर्टिव, प्लीज क्लीन योर कबर्ड टुडे. इम्पेरेटिव, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं. मे आई कम इन, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं. इंटेरोगेटिव, हाउ वुड यू लाइक दिस योर कॉफी. इंटेरोगेटिव, क्योंकि ये एक क्वेश्चन है. ठीक है, आगे देखते हैं. अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है. नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं, वी हैव इंटेरोगेटिव सेंटेंस. अभी मैंने आपको बताया इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, जो एक क्वेश्चन मार्क से खत्म होता है, विच एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, या फिर वो सेंटेंस से हमें समझ आ रहा है कि हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं. जैसे आर यू स्टडिंग, राइट, तो ये क्वेश्चन है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस. ठीक है, सो अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, एक सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछता है या फिर कोई रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, किसी इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट करता है, उसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं. जैसे When will you return home? ये एक क्वेश्चन है, और इससे हम ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, हमें कुछ जानकारी चाहिए कि आप घर कब कब आओगे. ठीक है, Why can't I leave now? ये भी एक क्वेश्चन है, जो सारे हमारे वर्ड्स होते हैं, हाउ, when, वेयर, why, ये सारे हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए ही होते हैं. ठीक है, अब आगे देखेंगे हम. इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमेशा एक क्वेश्चन मार्क से एंड होता है. आपको पता है हम क्वेश्चन मार्क कैसे बनाते हैं? ओके, आई विल टेल यू, क्वेश्चन मार्क को हम ऐसे बनाते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन मार्क बनाया जाता है. ओके, सो व्हाट इज द नेक्स्ट टास्क. इन दिस वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल क्वेश्चन वर्ड्स. मैंने आपको बताया था अभी, व्हेन, हाउ, वेयर, हाउ, व्हाई, राइट, ये सारे हमारे वर्ड्स क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं. देखते हैं अब हम फिल कैसे करेंगे इसमें. फर्स्ट इज Dash, did India become independent? इसका क्या होगा? When? When did India become independent? Dash, do you know about the competition? How do you know about the competition? तुम्हें इस competition के बारे में कैसे पता है? Dash dance is the Sonal Mansingh known for which dance? Dash is the name of the chief minister. What is the name of the chief minister? Dash, are you upset? Why are you upset? Next, when does the volleyball match begin? Okay, seventh one, Dash is your favorite book. Which is your favorite book? Okay, eighth one, where are you going? Dash, was Mahatma Gandhi born? When was Mahatma Gandhi born? Dash was the first Prime Minister of India. Okay, Lady Prime Minister we are talking about. Who was? Okay, so ye isme hamara kya aayega? Who? Now let's move ahead and see what we have further. Next we have exclamatory sentences. A sentence that expresses a sudden feeling or strong emotion. एक ऐसा सेंटेंस जो एकदम से हमें कोई सडन फीलिंग या फिर एक इमोशन एक्सप्रेस करता है, ठीक है, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं. ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमेशा किससे एंड होगा, एक फुल स्टॉप से एंड होगा. ठीक है, सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विल ऑलवेज एंड विद अ फुल स्टॉप. नाउ फॉर्मिंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, कि हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को कैसे बना सकते हैं. एडिंग व्हाट और व्हाट अ बिफोर अ नाउन. ओके, या तो हम व्हाट ऐड करें या फिर व्हाट अ ऐड करें. जैसे व्हाट फन वी आर हैविंग और एक्सक्लेमेटरी मार्क. आपको ध्यान रखना है, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि व्हाट यूज हुआ है तो इंटरोगेटिव होगा. प्लीज रीड द होल सेंटेंस. पहले आप पूरे सेंटेंस को रीड करिए एंड देन डिसाइड करिए कि हमारा कौन सा टाइप है. What a win for the team. ये सारे हमारे कौन से हो गए? Exclamatory. Next is adding how before an adjective or an adverb. जैसे
हाउ लाउडली ही शाउट्स, हाउ केयरफुली ही वर्क्स. तो ये एक एडजेक्टिव है. एक एडजेक्टिव के पहले जब हम हाउ वर्ड ऐड कर देते हैं और एक एक्सक्लेमेटरी मार्क भी ऐड कर देंगे तो वो कौन सा बन जाएगा सेंटेंस? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. इंटरजेक्शंस आर ऑफन यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. इंटरजेक्शंस मतलब जैसे ओ, हेलो, ब्रावो, ये सारे हमारे इंटरजेक्शंस होते हैं जो कोई फीलिंग या इमोशन एक्सप्रेस करते हैं. जैसे हेलो, वेयर हैव यू बीन सो लॉन्ग, सो दिस इज योर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ओ, आई हर्ट माई नी, ये भी हमारा एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. नाउ वी हैव टास्क ई, द एक्सरसाइज, लेट्स डू इट. ओके, सो नाउ फर्स्ट लेट्स सी द सेंटेंसेस. द फर्स्ट वन इन दिस यू हैव टू चेंज इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. द टीम वन द टूर्नामेंट, इसका आंसर क्या होगा अगर हमें इसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करना होगा? ब्रावो, द टीम वन. तो हमने आपने देखा एक इंटरजेक्शन यूज किया. द सेकेंड वन, द एंटिक फोनोग्राफ वर्क्स. हाउ अमेजिंग दैट द एंटिक फोनोग्राफ वर्क्स. ओके, नेक्स्ट, द वेदर इज वेरी नाइस. हाउ नाइस द वेदर इज, दिस विल बी एक्सक्लेमेटरी. हेल्प मी, व्हाट विल बी द आंसर? द सेम आंसर विल बी देयर, वी विल जस्ट पुट एन एक्सक्लेमेटरी मार्क. Now, next is, she is very genius. How genius of her. Okay? Next, the house is on fire. Oh, the house is on fire. And then you will put an exclamatory mark. She looks exhausted. How exhausted she looks. Exclamatory mark. She is an incredibly strong woman. Iska kya hoga? How strong of a woman she is. Okay? Now, 10th one, that is sad state of affairs. This one is your homework. Let's see how much did you understand. We will do the next exercise now, the F1. Read these sentences and identify the types. First one, please move your seats forward. Aap dekh sakte ho iske andar request ki gayi hai. Toh, ye kaun sa hai? Imperative. Won't you tell me your name? Interrogative, kyunki question hai. This will be not tolerated. Okay? देखो किसी चीज के लिए मना करा जा रहा है तो ये कौन सा है? Imperative. Very good. The teacher was showing us a chemistry experiment. Which one is this? ये हमें इससे कुछ जानकारी मिल रही है. Assertive या फिर declarative. Very good. How did you handle the problem? Question पूछा जा रहा है. Interrogative. What a beautiful sunrise. क्या है ये? Exclamatory. Sentence. Very good. Put your right hand up. ये एक command दिया जा रहा है. तो ये कौन सा है? Imperative. She will teach mathematics and science. Assertive. Always trust your conscience. This is assertive. Kiran isn't coming today. Negative sentence हुआ ना ये. So this is imperative. Next we have Kiran isn't coming today. This is assertive but negative. तो हम क्या लिखेंगे? Assertive sentence और bracket में negative. क्योंकि assertive का type होता है negative. Has your uncle got any hair left? Question है ये. Interrogative. She has started guitar lessons. Assertive. Okay? Let's see the G1 now. Okay. So, in this exercise, रोहन एंड रिद्धि आर वॉचिंग अ क्रिकेट मैच. तो ये दो लोग हैं, रोहन एंड रिद्धि, ये क्रिकेट मैच देख रहे हैं. हमें इनकी कॉन्वर्सेशन को, इनकी बातों को कंप्लीट करना है और हमें दूसरे अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस यूज करने हैं. लेट्स सी इफ वी कैन डू इट. ओके, फर्स्ट इज रोहन. व्हाट इज रोहन सेइंग? रिद्धि, कम फास्ट, द मैच इज अबाउट टू गेट ओवर, इंडिया माइट विन. रिद्धि सेज, व्हाट इज द स्कोर नाउ? रोहन कैन रिप्लाई हाउ? लेट्स सी. India just needs 10 runs to win with exclamation mark. So, humne exclamatory sentence use kar liya. Riddhi, oh, this is so exciting! Exclamation mark. Rohan, do you think India will win? Question. And next, Riddhi, yes, for sure. So, this is exclamatory sentence. So, this is how you can use different sentences. Isi tarike se aap bahut sare different sentences use kar sakte hain. I hope aapko ye chapter samajh aaya hoga. आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतने मास्टर होंगे इस चैप्टर में. ठीक है,
अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।